हे गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज हम लोग आरसी 200 का टेस्ट राइड लेने वाले हैं, वो भी ट्रैक पे। आप देखिए यहाँ पे सिंधु वन रोड पे, यहाँ पे एक गो कार्ट का ट्रैक है, वहाँ पे हम लोग इसका टेस्ट राइड करने वाले। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। पहले तो कभी ऐसा चलाया नहीं है मैंने, पहले बाइक देख लीजिए। तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे KTM की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा बाइक लग रहा है और काफ़ी अग्रेसिव भी लग रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कलर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है फ्रंट लुक। अब फ्रंट लुक देखिए इसका कुछ अलग ही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए डिटेल में इसका बाद में वीडियो करेंगे, पहले इसका अभी हम लोग ट्रैक पे टेस्ट राइड ले लेते हैं, बाद में आपसे बात करते हैं। अब एंटर करो। हे गाइस, तो पहली बार मैं ट्रैक पे बाइक चला रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कैसे चलानी है और यहीं से कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं आई है, तो देखते हैं कैसे चला पाता हूँ मैं। बाकी तो सब अच्छा लग रहा है। KTM RC 200 न्यू मॉडल, ये थोड़ा तो 3 राउंड अलाउड है। कैसे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होना पड़ता है। थोड़ा टफ तो है ट्रैक पे बाइक चलाना, लेकिन विल ट्राई, उन्हें ट्राई करेंगे। पहली बार ट्रैक पे चला रहा हूँ तो बहुत ही जल्दी टर्न आ जाते हैं और कहाँ से मुड़ना है वो नहीं पता होता है, क्योंकि और इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है, तो कहीं मैं लंबा ना हो जाऊँ। वैसे तो एम्बुलेंस वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं करना है अपने को कुछ। ओके, ठीक ठाक है, मुझे तो इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि कभी चलाया नहीं है। तो बाकी सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है और पावर भी काफ़ी अच्छा था बाइक में। वैसे तो कोई ये ऑफिशियल ट्रैक नहीं है अब बाइक वगैरह चलाने के लिए, ये गो कार्ट आती है उसका ट्रैक है, तो थोड़ा शार्प ज़्यादा मुझे तो लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। अगर बाइक्स वगैरह का ट्रैक रहता है ना तो वो थोड़ा वाइड होता है और इतने कर्व्स जल्दी नहीं आते हैं, तो शायद उसकी वजह से हमको नहीं जम रहा होगा। पता नहीं, हमने तो कभी चलाई नहीं है ट्रैक पे बाइक। चालू कर, बची था। तो यहाँ पे KTM में एक सेल्स पर्सन थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एडवेंचर 390 चलाइए तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा और प्लस ट्राई। एडवेंचर कैटेगरी की बाइक है ये, तो चलिए चलाते हैं इसको भी। ओ, काफ़ी हाइट में काफ़ी ज़्यादा है ये बाइक हिमालयन से तो। ओके, तो हैंडल बार भी काफ़ी वाइड मुझे लग रहा है इस बाइक का।
तो एडवेंचर 390 में पावर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये एडवेंचर बाइक नहीं बोल सकते हो। अब क्योंकि एडवेंचर बाइक लो आरपीएम पे चलती है, तो ये बाइक लो आरपीएम पे नहीं चलने वाली है। तो आप इसको ऐसा सेगमेंट बोल सकते हो, लेकिन उतना भी ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो इसमें मुझे थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा लग रहा है आरसी 200 से, और मैं काफ़ी कंफर्टेबली चला रहा हूँ इसको। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि मुझे ट्रैक थोड़ा छोटा लग रहा है, बाकी तो बढ़िया है सब। पिकअप तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, ऐसा है कि दो पाँव में से बाइक ना निकल जाए और मैं गिर जाऊंगा। काफ़ी अच्छा, मुझे ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है आरसी 200 से। अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हो तो ये बाइक ज़रूर आपको एक बार टेस्ट राइड करना चाहिए। थोड़ा डर अभी कम हुआ है मुझे। ओ बाप रे, सेकंड गियर में तो और भी ज्यादा भाग रही है बाइक। वाह, परफेक्ट बाइक है ये। वाह, मज़ा आ गया ये बाइक चलाने में, काफ़ी अच्छा रहा मुझे। 250 से तो काफ़ी बेहतरीन है ये, ट्रैक में भी और वैसे भी लॉन्ग टूर के लिए ही ये बाइक बनी है। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो KTM के शोरूम में जाके, बहुत ही परफेक्ट, काफ़ी पावरफुल मशीन है ये 390 कैटेगरी में। आपका फ्रंट लुक देखिए और भी ज़रा खूबसूरत है। बाइक का स्टेयरिंग है वो बहुत ही वाइड है, तो चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो लॉन्ग राइड में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये बाइक। एडवेंचर कैटेगरी में नहीं बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा अप डाउन रह सकता है, क्योंकि इसमें स्पोक व्हील नहीं है। पहला तो स्पोक व्हील नहीं है, तो आप उतना 100% एडवेंचर नहीं कर सकते हो, थोड़ा छोटा मोटा एडवेंचर कर सकते हो। और सीट हाइट इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो जो शॉर्ट राइडर हो गए उनके लिए काफ़ी ये दिक्कत ला सकता है। बाकी ओके है, बाइक काफ़ी परफेक्ट है। पावर पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट और सेकंड गियर में ही मैंने चलाई हुई है बाइक, तो पावर में तो इसको बोलना ही नहीं पड़ेगा भाई। चेकआउट